चाहिए युवा नेता है दौड़ा पड़ता है कीड़ा झोपड़ी वाला। बाबूजी हम सपना देख रहे हैं ताकि स्टेज पर खड़ा करके भाषण दे रहे हैं, खड़े होकर मतलब कि स्टेज पर खड़े भाषण दे रहे हैं, हम नेता बन गए नेता भाषण दे रहे हैं। अरे बाबू सपना सपने रह जाता है, कभी पूरा नहीं होता है। बाबू अब भोरे भोरे के सपना ना सही हो जाता है। भोरे भोरे अरे भटियारा भोर हो रहा है रे, आए भोर हो रहा है, 11:40 तुम्हारा भोर होता है। सॉरी बाबूजी, लेकिन बाबूजी जो दिन हम नेता बन गए ना आपको अपना स्कॉर्पियो में सटने नहीं देंगे। स्कॉर्पियो? हाँ स्कॉर्पियो में सटने नहीं देगा। क्या हुआ चाचा जी, काला मोटका को मार रहे हैं? मार रहे हैं? अरे हमार बस चले तो हम जान से मार देंगे। अरे इस पर नेता बनने का भूत सवार हुआ पड़ा है, हम इसको कितना बार समझाए कि बाबू आजकल का नेता में आ कोठा पर के दलाल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नेता बनना है। बात तो सही कह रहे हैं चाचा जी, लेकिन नेता से बहुत पैसा कमाता है। तो क्या हुआ, काली माल और काला धन से हमको कोई मतलब नहीं होता है। आई जस्ट लव रशियन। वाह चाचा जी वाह, कितना बड़ा औजार है आपका। मतलब कि कितना बड़ा विचार है आपका। वो तो है, लेकिन बाबू हमार बेटा के कोई इलाज नहीं है, एकदम एक नंबर के लीलहर बिलहर हो गया है। रे रे छोड़ा कहाँ जा रहा है, रे देख रहा है बिना बताए बिना खाए पिए उठेगा चल जाता है पता ना कहाँ कहाँ गया होगा। बताओ अभी भी बाप को सिर्फ खाने पीने की चिंता है उसके। अच्छा परवेश मुखिया गुरु बनल चल रहा है, वो भड़वा के संगत में रहेगा तो इसका सुधारना कहियो नहीं है। सही बोले चाचा जी। तनका हमरो एगो इम्पोर्टेंट काम है कर लेते हैं। कर रे साला कथी कर रहा है, निकालना जल्दी। हाँ निकाले मुखिया जी निकाल। रे साला निकल जल्दी बहुत दर्द कर रहा है। बस बस 2 मिनट में निकाले। रे साला बहुत दर्द कर रहा है, बहुत निकाल जल्दी। रे साला तू मुखिया जी के साथ क्या गंदा गंदा अश्लील हरकत कर रहा है रे। अश्लील हरकत? मशीन में फंस गए, अंदर फंस गए, उनको ही बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना निकलता है, हट हम बताते हैं। हट देख, अब पहले अंदर घुसा उसके बाद बाहर निकाल, देखा? रे साला कथी अंदर डालने के बात कर रहा था रे। मुखिया जी आप अंदर फंसल थे ना, वही बोल रहे थे अंदर करने के बाद बाहर निकालने के लिए। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तू हमारा सबसे वफादार चेला है, हमारे बाद तू ही ना मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री मतलब गांव के मुखिया? लेकिन कैसे मुखिया बनेंगे, हमारे बाबूजी समझ में नहीं करते हैं, कहते हैं कि नेता कोठा पर के दलाल में कोई फर्क नहीं है। सही कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। नेता मतलब पावर, नेता मतलब गाड़ी पर चुनर, नेता मतलब आगे पीछे घूमे वाला 4 गो नौकर, बस यही होता है नेता का मतलब। आगे, आगे खड़ा हो जाए। शेरा 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 एक बोली पर हमें हाई आकर सामने खड़ा हो जाएगा। तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम राष्ट्रपति बनने की तैयारी करो। हैं राष्ट्रपति मतलब मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो। हैं अरे यार मुखिया बनने की तैयारी करो। हम तो तैयारी करिए रहे हैं, लेकिन हमारे बाबूजी नहीं ना समझ रहे हैं। मुखिया जी एक बार आप हमारे घर पे चल के हमारे बाबूजी के समझाइए ना। हम क्या समझाएं? अब प्लीज मुखिया जी समझा दीजिए ना एक बार। नहीं नहीं हम नहीं समझा सकते हैं। मुखिया जी समझा दीजिए ना, यही कि नेतगिरी बहुत अच्छा चीज है, इसमें फ्यूचर है। अरे बेटा हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है आज। आज MLA साहब से मिलना है और बलिया जाकर एक मॉल का उद्घाटन भी करना है। चलते तो अदरक वाला चाय पीने को मिलता। कुछ भी कहो लेकिन चाय बहुत जबरदस्त बना है। चाय तो 1.5 घंटा पहले खत्म हो गया, अब क्या कब खाइएगा? तू इसको अपना गुरु मानता है रे? हाँ पापा, दिल से फेफड़ा से गुर्दा से सब कुछ से गुरु मानते हैं। अरे जिसको पूरी दुनिया गारू मानता है उसको तुम गुरु मानते हो? पापा आप हमको कुछ बोल लीजिए लेकिन मुखिया जी को कुछ नहीं बोलिए। मुखिया जी कम क्लोज, 1 2 3 4, ये मुखिया है रे।
अरे इलेक्शन में 3 बार लड़ा है, 4 बार हारा है। इसका तो अपना घर वाला सपोर्ट नहीं करता है। घर में 4 गो वोट है और इसको मिलता है मात्र 2 गो। रामू भाई, हम यहाँ अपना बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। हम तो यही कह रहे थे कि चंदन में बहुत टैलेंट है, इसको राजनीति में आने दीजिए। अगर चंदन में टैलेंट है भी तो उसको कोठा पर के दलाल बना देंगे, लेकिन राजनीति में नहीं आने देंगे। काहे कि दलाल सबका ज्यादा इज्जत होता है नेता सब। आपको समझाना ही बेकार है रामू भाई। भगवान मुखिया जी, अभी फट जाता तो रे। चल निकाल 5 रुपया। 5 रुपया वाला फेविकोल खरीद के चिपकाएंगे, तनका सा फट गया है। ओ चचा मुखिया मादर खुद। अब मुखिया जी आपके चरणों में सादर प्रणाम, टांग उठा के। ये कौन सा प्रणाम है रे साला? मोबाइल पार्टी का औलाद। मोबाइल पार्टी हमको कह रहे हैं कि चाचा जी, और कौन है यहाँ मोबाइल पार्टी के औलाद जैसा? बाबू सुनो ना, अरे हम बोल रहे हैं कि हम ही मुखिया को 100 बार समझा चुके हैं कि हमारे बेटा को मत पढ़वाओ नेतागिरी के चक्कर, लेकिन ये साला समझ नहीं रहा है। तो आप मुखिया जी को कहला समझा रहे हैं? आप अपना बेटा मोटका को समझाइए कि इस चक्कर में ना पड़े। मोटका नहीं ना समझता है बाबू। काहे नहीं समझता है? काहे कि बचपन में वो आइसक्रीम समझ के बोका के जूती चूस लिया था। ठीक है चंदन बाबू, अब हम चलते हैं, हमारे बस में नहीं है तुम्हारे बाबूजी को समझाना। मुखिया जी एक बार और हमारे बाबूजी के समझाइए ना, आप प्यार से समझाइएगा तो हमारे बाबूजी समझ जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता है, हम नहीं समझा सकते हैं। ये नेता बनेगा बाबू? उदास मत हो बेटा, तुम मेरा इकलौता जिया पुता है, तुम्हारा खुशी में ही मेरा खुशी है। जाओ बेटा घुसा जाओ राजनीति में, मतलब घुस जाओ राजनीति में। थैंक यू पापा, आप हमारे बहुत अच्छे पापा हैं। लेकिन मेरा भी एक शर्त है। क्या शर्त है बाबूजी? तुम साला ही परवेश मुखिया के संगत में नहीं रहेगा, ये भड़ुआ के साथ में नहीं रहेगा। बहुत बड़ा दोगला आदमी है ये। राम राम भाई, हम अपना बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते हैं यहाँ। जाओ। आप बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते हैं? तो मुखिया जी हम भी नहीं चाहते कि आप बेइज्जती होते हुए दिखे, इसलिए हम चाहते हैं कि मरिए चाचा जी, मरिए। आपका बेटा को बहका दिया। तो है असली मोबाइल पलटी के औलाद, अरे इसको तो किरासन से लिपटा के मारेंगे। हाँ बाबू। बाबू विद्यालय गए हुए कितना दिन हो गया? याद नहीं है। वो तो याद नहीं रहेगा। किताब देखे हुए कितना दिन हो गया? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया, वाह। पिछला बार भाषण कब दिया था? आज तो दिए हैं सपना में। वाह बेटा वाह, सब चीज आज हो रहा है राजनीति का, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है।